नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस को हम वर्ल्ड डायबिटीज डे के नाम से भी जानते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 10 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 14 नवंबर, डी 16 नवंबर। सही जवाब है विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को प्रतिवर्ष डायबिटीज डे मनाए जाने का मुख्य कारण यह है कि लोगों को इस रोग के बारे में बताना व जागरूक करना। यह रोग किन कारणों से हो सकता है और इस रोग की क्या जटिलताएं हो सकती हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे की शुरुआत किसने की थी। विश्व मधुमेह दिवस संयुक्त रूप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के द्वारा शुरू किया गया था। विश्व मधुमेह दिवस 2019 का विषय है द फैमिली एंड डायबिटीज। डायबिटीज क्या है। डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का कारण यह हो सकता है कि व्यक्ति के पैंक्रियाज द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन ना हो रहा हो, या इंसुलिन का उत्पादन होने के बावजूद बॉडी की कोशिकाएं उसे उपयोग नहीं कर पा रही हों। डायबिटीज़ मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। टाइप 1 मधुमेह, शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। टाइप 2 डायबिटीज़, इस प्रकार के डायबिटीज़ में शरीर इंसुलिन का उत्पादन तो करता है लेकिन इससे अच्छे से उपयोग नहीं कर पाता। गर्भावधि मधुमेह या गेस्टेशनल डायबिटीज़, इसमें गर्भावस्था में स्त्री के शरीर में ब्लड शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। यह एक अस्थायी कंडीशन होती है। डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण निम्न हो सकते हैं। बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, वजन कम हो जाना, धुंधला दिखाई देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो फ्रेंड्स।